अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करना और मेरे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका। और इसके साथ ही आज एक और मैं आप लोगों के साथ एक फैक्ट शेयर करने लगा हूं कि समटाइम ये है कि यूज़र को समटाइम ये बहुत ज़्यादा इशू आता है कि उसको ये पता नहीं चल पाता कि क्या इशू है। उस पर यह है कि ये एक स्कैनर है, इस पे है इमेज फार्मूला DRF1F120। ये स्कैनर है, इस स्कैनर का ये इशू आ रहा है कि ये पेज मैंने लगाया हुआ है ADF पे पेज लगाया हुआ है। उसके बाद जब मैं सिस्टम से इसको ADF पे स्कैन करने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस पे ये देखें, फीडर स्कैन में कर रहा हूँ, स्कैन करता हूँ तो ये एरर आ जाता है। एरर का ये है कि नो पेपर इन डॉक्यूमेंट फीडर, के आपका ADF जो है वो पेज को एक्सेस नहीं कर रहा। इसमें ये है कि वो मैं आपको बताता चलूँ। अब इसका ये है कि सब उसके अलावा ये देखिए, ये आप पेज मैंने रखा हुआ है लेकिन इस पेज को यहाँ पे ये नो पेपर इन डॉक्यूमेंट फीडर में एरर दे रहा है। उस एरर का क्या वजह हो सकती है कि पेपर को एक्सेस नहीं कर रहा था, कि जो आपका फीडर का है पेपर पिकअप पे कि आपका सेंसर काम नहीं कर रहा। अब सेंसर पर ये है, आप ये देखें, ये इसका सेंसर लगा हुआ है लेकिन इस सेंसर को आप देखें, इसकी ये साइड जो नीचे सेंसर के साथ टच होती है ये डैमेज मुझे लग रही है। इसको मैं निकालूंगा, निकाल के चेक करूंगा। ये देखें, ये साइड इसकी जो है टूटी हुई है, जिस वजह से ये स्कैनर को नहीं कर रहा। इसके लिहाज से इसके साथ का इसका मैं ये क्लिप लेके आऊँगा, मंगवा के रखा हुआ मैंने, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब आपने देख लिया प्रॉपर कि इसके एक साइड पे ये साइड टूटी हुई है। अब इसको मैं रख के जब दूसरा मैं ये अब दूसरा है इसका, इस पर आप ये देखें, ये साइड भी ठीक है और ये साइड पे भी सेंसर को जो सेंस करता है वो वाला भी है। इसको मैं इस तरह लगाऊंगा वापस, ये इस तरह लग गया। अब ये देखें, इसका ये सेंस का उसका आएगा। इसको मैं कवर अप बंद करूँगा, बंद करके ये पेपर लगाया हुआ है, स्कैनर रेडी कंडीशन में है। अब मैं यहाँ से इसको कैंसिल करूँगा, दोबारा से ADF को ऑन करूँगा। अच्छा, ये देखें, इसका यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा फीडर और इसको स्कैन करूँगा। अब ये देखें, इसने पिक कर लिया हुआ है, पेज को भी एक्सेस कर लिया, ये स्कैन कर रहा है। इस पेज को ये पेज इसने सेव कर लिया। इस स्कैनिंग इसकी बिल्कुल क्लियर आ गई है। था छोटा सा इशू लेकिन ये कि समटाइम ये लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है और लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारा स्कैनर क्या प्रॉब्लम कर रहा है क्या नहीं। इसकी जो शुरुआत या ज़रूरत की चीज़ होती है वो मैंने आपको बताई है। एक तो पहले ये सेंसर है जो पेज को एक्सेस करता है, उसके अलावा आप ये देखें कि आप बाज कर इसके और भी प्रॉब्लम आते हैं कि आप इसके साथ पेज रख रहे हैं लेकिन पेज आपका थोड़ा सा लेके स्किप करना शुरू कर देता है। उसका क्या मेन फॉल्ट होता है कि ये रोलर जो लगे हुए हैं, ये रोलर सेट लगा हुआ है, ये पिकअप रोलर्स इनको कहते हैं, ये रोलर्स वगैरह जब इनमें ये प्लेन हो जाएं जिसकी वजह वो पेज को फिर स्किप करना शुरू करते हैं, पेज को प्रॉपर तरीके से वो इंटर नहीं कर पाते, आगे धकेल नहीं पाते। और दूसरा सबसे मेन वजह जो ज़्यादातर प्रॉब्लम लोगों के साथ आती है कि जब समटाइम ये इसमें लगाते हैं स्कैनिंग वगैरह के लिए, तो इसमें पिन्ने वगैरह ये कुछ चीज़ ऐसी गिर जाती है जिसकी वजह से वो इतने केयर नहीं करते, उनको पता नहीं होता। समटाइम ये पेज देखते हैं, पेज टेढ़ा जाना शुरू हो जाता है या पेज फाड़ना शुरू हो जाता है या पेज जाके टेढ़ा होकर बीच में जाके फंस जाता है। तो उसका यही है कि इसके अंदर जहाँ से ये पेज यहाँ से गुजर के जाता है तो वो वाली साइड आप ज़रा आराम से चेक कर लें कि उसमें कोई ऐसी चीज़ वगैरह या कोई ऐसी गार्बेज या कोई ऐसा पीस ना पड़ा हो जिस वजह से वो पेज को स्कैन करने में रोकता हो। तो व्यूअर्स, ये रही मेरी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा चैनल, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मुझे कांटेक्ट भी कर रहे हैं और वो अपनी कई प्रॉब्लम वगैरह मेरे साथ डिस्कस भी करते हैं। तो मैं उसके लिए बहुत माजूर ख्वा हूँ कि सम टाइम ये है कि मेरा थोड़ा सा बिजी प्लान होता है कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता या कुछ भी, उसके लिहाज से मुझे आप माफ़ कीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दूँ। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।